नमस्कार दोस्तों, ब्यूटी एंड गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं होममेड फंजीसाइड कैसे बनाते हैं। ये जो फंजीसाइड है होममेड है, ऑर्गेनिक है, तो आप अपने सभी प्लांट्स में इसको डाल सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपके प्लांट की कटिंग अगर आप लगाते हैं, अगर वो चल नहीं पाती है, सड़ जाती है, या फिर आपके प्लांट में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है या फंगस लग गई है, तो आप इस फंजीसाइड को यूज़ कर सकते हैं। इस फंजीसाइड को आप अपने प्लांट सभी तरीके के प्लांट में डाल सकते हैं। ये आपके प्लांट की जो फंगस लगा है उसको तो दूर करेगा ही, साथ में आपकी जो प्लांट है उसकी हेल्थ को भी ये अच्छा करता है। और दोस्तों, आप कोई भी कटिंग लगाते हैं तो आपकी मिट्टी के अंदर आप इसको अगर थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल देते हैं, और फिर अगर आप कटिंग लगाते हैं तो आपकी कटिंग भी जो है उसमें कोई भी तरीके का फंगस नहीं लगेगा। तो इसको कैसे बनाते हैं, और इसको बना करके भी रख सकते हैं दोस्तों, इसको कैसे बनाते हैं ये आज मैं आपके यहाँ शेयर करने वाली हूँ। इसको आप अपनी मिट्टी में भी डाल सकते हैं, या फिर अपने प्लांट पर भी आप इसका थोड़ा सा छिड़काव कर सकते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमको चाहिए हल्दी, जो हमारी किचन वाली हल्दी होती है, ये मैंने वो हल्दी ली है। साथ ही मैंने लिया है इसके अंदर काली मिर्च और लौंग का पाउडर। ये दोनों मैंने इक्वल क्वांटिटी में ले रखा है। जितनी मैंने जो हल्दी ली है उतनी क्वांटिटी में मैंने ये जो लौंग है और जो काली मिर्च है, दोनों को मिक्स करके उसका पाउडर लिया है। साथ में मैंने ली है ये है लकड़ी की राख, तो ये आपको मिक्स कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ। वैसे हम ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इनको आप अलग अलग भी अपने प्लांट में डाल सकते हैं। इससे भी आपके प्लांट की हेल्थ इंप्रूव होती है, फंगस नहीं लगता है। ये सब एक फंजीसाइड का काम ही करते हैं। लेकिन अगर आप हम इन सभी चीज़ों को साथ में मिक्स करके अपने प्लांट में लगाते हैं तो इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्दी आता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। इनकी जो क्वांटिटी है दोस्तों, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी जो है इसके अंदर हाफ कट और ये राख ले रखी है, और 1/4 जो है मैंने इसके अंदर हल्दी ली है, और 1/4 ही मैंने इसके अंदर काली मिर्च और लौंग का पाउडर लिया है। तो मैंने इस तरीके से इसकी क्वांटिटी बनाई है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और आप इसके अंदर 1/4 ही आप इसके अंदर दालचीनी पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और अपने प्लांट में अगर आपका पॉट है उसमें आप 1 चम्मच या 2 चम्मच, अगर पॉट बड़ा है तो 2 चम्मच डाल दीजिए, अगर छोटा पॉट है तब उसमें 1 चम्मच, और बहुत ज़्यादा छोटे पॉट होते हैं उसके अंदर आप हाफ जो चम्मच है वो डाल दीजिए। और अगर आपको कटिंग लगाना है तो उसमें भी थोड़ा सा आप स्प्रिंकल कर दीजिए, इससे भी आपकी कटिंग ख़राब नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छा दोस्तों फंजीसाइड है आपके सभी प्लांट्स के लिए, या आप अपने प्लांट पर इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। आप इसको कोई कपड़े में डाल करके अपने प्लांट पर भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी आपके प्लांट में कोई भी फंगस लगी है तो वो भी दूर हो जाती है, और प्लांट आपका हेल्दी होता है, उसकी ग्रोथ में भी ये जो है हेल्प करता है। ऑर्गेनिक जो फंजीसाइड होते हैं उसको हमें जितनी क्वांटिटी जो हमारे केमिकल फंजीसाइड होते हैं उसको जितनी क्वांटिटी बता रखी होती है हमें उतनी ही यूज़ करनी होती है। थोड़ी सी भी अगर आपने ज़्यादा या कम कर दी है तो जो है आपके प्लांट ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक होता है, अगर आपने थोड़ा सा कम ज़्यादा कर दिया तो इसमें कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो आपके प्लांट को कोई भी तरीके का नुकसान नहीं होता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। बहुत ही छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपके लिए यूज़फुल रहता है, आपके लिए ये हेल्पफुल रहता है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।